Hello everyone and welcome to the session on Design for High Speed Automatic Assembly Part 2. So in this session I will be covering about high speed automatic insertion, analysis of an assembly, general rules for product design for automation and assembly from above. So before we move on to the topic, let's try to understand with few examples what exactly is high speed automatic insertion. So as you can see from this first figure, ये फिगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की है जहां पर बॉटल्स में कोई मेडिसिन फिल की जा रही है. सो हेयर व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि एक पर्टिकुलर फिक्स्चर में कुछ बॉटल्स रखे हैं, कुछ में कैपिंग अभी हुई नहीं है, फिलिंग चल रही है, कुछ में फर्स्ट कैप लग रहा है, कुछ में फाइनल पैकिंग हो चुकी है. सो टू मेक इट मोर हाई स्पीड व्हाट इज हैपनिंग कि फोर बॉटल्स में एक साथ वर्क हो रहा है, यानी कि फोर बॉटल्स में एक साथ लिक्विड फिल होता है, फिर उनके ऊपर फर्स्ट कैपिंग लगाई जाती है, फिर फाइनल पैकिंग की जाती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई स्पीड इंसर्शन जहां पर ये प्लेट रिवॉल्व करती जाएगी आफ्टर सम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एंगल और सारे प्रोसेसेस इसके अंदर होते जाएंगे. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल एक फिर से एक लिक्विड फिलिंग मशीन का है जहां पर आप देख रहे हैं देर आर सम ग्रूव्स जिसके अंदर हम बॉटल्स को फिक्स कर सकते हैं एंड इट विल कम हेयर और यहाँ पर बॉटल फिलिंग कैपिंग इस तरह के सारे काम और फिर ये बॉटल्स फाइनल पैकिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे. देन वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द मशीन विजन सिस्टम. ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस की हेयर. की के डायमेंशंस को हमने चेक किया यूजिंग अ मशीन विजन सिस्टम, यानी कि कैमरा है, कैमरे से हमने इस की की इमेज को कैप्चर किया और इसके अंदर ये जो होल है, जो की होल है, इसके डायमेंशन को बेसिकली हमें चेक करना है. तो अगर हमारा ये डायमेंशन हमें ओके मिला तब ये ओके बिन में चला जाएगा, इफ इट इज नॉट इट विल बी रिजेक्टेड. सिमिलरली लेट्स कंसिडर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पर कलर पेंसिल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. तो जब फाइनल पैकिंग की स्टेज पर आया तो बहुत सारी कलर पेंसिल्स अलग अलग कलर्स की मिक्स थी, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि रेड कलर का पेंसिल रेड बॉक्स में जाए, ग्रीन कलर के पेंसिल्स एक बॉक्स में जाए, येलो कलर के पेंसिल्स येलो कलर में जाए, तो इस तरह से हमें पैकिंग करना है. इन दैट केस अगेन वी कैन यूज अ मशीन विजन सिस्टम. मशीन विजन सिस्टम क्या करेगा, पेंसिल के एंड को चेक करेगा और इसके बीच में इस लेड के इस लीड के कलर को चेक करेगा. जैसा ये कलर होगा अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं ये पेंसिल उस पर्टिकुलर कॉन्वेयर बेल्ट पे चली जाएगी जहां पर ये कलर इसका पैक होगा. टू मेक इट मोर सिंपलर हम इस केस में मशीन विजन सिस्टम की जगह एक कलर सेंसर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कलर को मेजर करने के लिए वी हैव टू मेजर द आर बाय बी वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कलर एंड बेस्ड ऑन दिस द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर बीइंग सॉर्टेड. नाउ व्हाट इज हाई स्पीड ऑटोमेटिक इंसर्शन. तो फीडिंग एंड ओरिएंटिंग मेरे लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर फीडिंग एंड ओरिएंटिंग इक्विपमेंट्स के अलावा अगर हम कोई स्पेशल पर्पस मैकेनिज्म या वर्कहेड लगाते हैं सो दैट कम्स अंडर हाई स्पीड ऑटोमेटिक इंसर्शन. कभी कभी हमारे प्रोडक्ट की या पार्ट की शेप कुछ इस तरीके से होती है कि हमें अलग से एक मैकेनिज्म लगाना पड़े. दिस मैकेनिज्म कुड बी अ स्मॉल लीवर जो प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट कर रहा है. ये एक रोबोट भी हो सकता है जो पर्टिकुलर पिक एंड प्लेस का काम भी कर रहा है. सो दीज वर्क हेड्स आर जनरली बिल्ट टू ऑपरेट ऑन अ साइकिल एज शॉर्ट एज 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में एक पीस के ऊपर ये वर्क करते हैं. सो अगेन वी हैव रिप्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर द इक्वेशन हेयर, बट यहां पर हम इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ इंसर्शन. सो दिस कॉस्ट ऑफ इंसर्शन बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन है इसकी 60/FR × RI. FR इज द रिक्वायर्ड असेंबली रेट या फीड रेट इन पार्ट्स पर मिनट एंड RI इज द
cost of using the automatic work head and the unit is in paisa per seconds. RI को हम इस तरीके से भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर WC इज द वर्क हेड कॉस्ट, यानी कि जो हम स्पेशल मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है वो WC में आएगी. E नॉट इज द इक्विपमेंट फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो, PV इज द पे बैक टाइम इन मंथ्स एंड SN इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स वर्क पर डे. और जैसा मेरे लास्ट सेशन में आपने सुना था 5760 का एक्सप्लेनेशन, द एक्सप्लेनेशन इज सेम. तो यहाँ पर एक छोटी सी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स अज्यूम अ स्टैंडर्ड वर्क हेड विच कॉस्ट रुपीज 10,000 विथ पे बैक पीरियड ऑफ 30 मंथ्स विथ टू शिफ्ट वर्किंग, एंड अगेन वी आर कंसिडरिंग दैट फैक्ट्री इक्विपमेंट ओवर हेड्स आर 100%, एंड सो द वैल्यू फॉर ई नॉट विल बी 2. सो लास्ट सेशन में हमने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को लिया था. एंड सब्स्टिट्यूटिंग हेयर इन इक्वेशन नंबर 7, तो यहाँ पर हम आर आई जब कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा हमें 0.06 पैसा पर सेकेंड्स. दिस मीन्स दैट इस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए वी आर गिविंग 0.06 पैसा पर सेकेंड. अगर इस फिगर को हम स्टैंडर्ड फिगर मानते हैं और इसके कंपैरिजन में अगर हमें कोई और वर्क हेड को कंपेयर करना है तो इक्वेशन 7 में थोड़े से चेंजेस लेकर आएंगे एंड दैट विल बिकम इक्वेशन 6. सो दिस इक्वेशन 6 सेज दैट कॉस्ट ऑफ इंसर्शन नाउ बिकम्स 0.06 टाइम्स 60 बाय FR इनटू WR. WR इज द रिलेटिव कॉस्ट फैक्टर ऑफ अ सिमिलर वर्क हेड जो क्रिएट किया है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से कि कॉस्ट ऑफ इंसर्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायर्ड असेंबली रेट एंड प्रोपोर्शनल टू द वर्क हेड कॉस्ट. जितना हमारा फीड रेट ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ इंसर्शन कम होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ स्पेशल वर्क हेड जितनी ज्यादा होगी उतना कॉस्ट ऑफ इंसर्शन ज्यादा होगा. Now, let's try to understand the analysis of an assembly. किसी भी प्रोडक्ट को असेंबली करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उसका फ्लो चार्ट क्या है, मतलब वॉट इज द सीक्वेंस विद विच दैट असेंबली विल बी डन. तो यहाँ पर हम एक किसी प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एंड एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस ओरिजिनल डिजाइन, यहाँ पर एक हाउसिंग है, प्लंजर है, गैस्केट है, कवर है एंड ऑन द टॉप देयर आर स्क्रूज टू बी फिटेड. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक वर्क स्टेशन पे हम इन सबको असेंबल कराना चाहते हैं तो उस ऑपरेटर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लंजर और गैस्केट का फिटमेंट ऐसा हो कि गैस्केट के ये होल्स जो लेफ्ट और राइट में है वो हाउसिंग के ये लेफ्ट और राइट के होल्स में आके फिट हो जाए. देन ये कवर के ऊपर भी आप देख रहे हो दो लेफ्ट और राइट में ये दो होल्स हैं, तो होल ऑफ द कवर, होल्स ऑफ द गैस्केट एंड होल्स ऑफ द हाउसिंग, इनको एक साथ अलाइन होना पड़ेगा ताकि इन स्क्रूज को हम इंसर्ट करके इसको टोटली फिट कर पाए. बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, क्योंकि जब ऑपरेटर का फोकस थोड़ा सा हटेगा ऑपरेटर काम करता करता थक भी जाएगा एंड मोर ओवर इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि ऑपरेटर की इतनी एफिशिएंसी हो कि इन तीनों होल्स की वो अलाइनमेंट कर पाए. सो डेफिनेटली इस केस में प्रोडक्शन तो हमारा हो जाएगा लेकिन हमारा प्रोडक्शन रेट बहुत कम होगा. तो अगर हम इसके डिजाइन में थोड़े से चेंजेस लेकर आए जहां पर हमें ये फोकस पॉइंट हटाना पड़ जाए और लेबर जो ऑपरेटर है उसको बस असेंबल करना है, ही डजंट हैव टू लुक आउट फॉर एवरीथिंग, यानी कि उसको किसी फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस उसको असेंबल करना है. तो इस डिजाइन में थोड़े से चेंजेस किए गए. चेंजेस आर लाइक दिस, यहां पर हाउसिंग बनाने की बजाय एक ग्रूव काटा गया, ये ग्रूव में होल्स को हटा दिया. देन ओवर इट वी कैन फिट अप द प्लंजर जो कि इस होल के अंदर आके फिट हो जाएगा. ओवर दैट वी कैन प्लेस द ग्रूव, ग्रूव जो है सॉरी दिस गैस्केट, ये गैस्केट जो है वो इस ग्रूव में आकर आराम से फिक्स हो जाएगा. ऑन द टॉप ऑफ इट एक कवर आ जाएगा, दिस कवर हैज अ लॉकिंग मैकेनिज्म विद द प्लंजर. सो अल्टीमेटली यहां पर हमें
किसी भी चीज पे फोकस देने की जरूरत नहीं है। अगर इन कंपोनेंट्स को हम किसी भी ओरिएंटेशन के साथ इस हाउसिंग के अंदर फिक्स कर देंगे तो ये एकदम से आके असेंबल हो जाएगा। देन इट वॉज ऑब्जर्व दैट द साइकिल टाइम ऑफ दिस रीडिजाइन प्रोडक्ट वॉज अप टू 9.6 पर मिनट, विच वॉज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डिजाइन। कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं एनालिसिस के। हम इस फर्स्ट फिगर को देखते हैं। इस फर्स्ट फिगर में एक बॉक्स के ऊपर ये प्लेट लगाना है और ये स्क्रूज को कनेक्ट करना है। सो अगेन द सेम थिंग इज देयर। बॉक्स के ऊपर जो होल्स होंगे और इस प्लेट के होल्स को हमें इस तरह से अलाइन करना होगा कि ये स्क्रूज आके इसके अंदर फिट हो जाए। देन दिस दिस रेक्टेंगुलर शेप हैज टू बी ऑन द राइट साइड। तो ये भी ऑपरेटर को ध्यान रखना होगा। बट अगर किसी एरर की वजह से ये लेफ्ट होल जो है राइट साइड में आ गया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए यहाँ पर कोई चेक पॉइंट नहीं है। तो इसके रीडिजाइनिंग में क्या किया गया, यहाँ पर एक ग्रूव को कट किया गया एंड दिस ग्रूव इज एसिमेट्रिकल इन शेप, विच मीन्स कि अगर ये ग्रूव हमने उल्टा लगा दिया या अगर ये रेक्टेंगुलर होल हमारा इस लेफ्ट साइड आ गया तो ये प्लेट इसके ऊपर फिट नहीं होगी। सो दिस इज वन चेक पॉइंट कि ये रेक्टेंगुलर होल हमेशा हमारा राइट साइड में आएगा। देन अगर इस ग्रूव के ऊपर आप प्लेट फिट करेंगे तो इन होल्स की अलाइनमेंट और बॉक्स के होल्स की अलाइनमेंट पे हमें फोकस नहीं करना पड़ेगा एंड इट कैन बी इजिली स्क्रूड अप। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये एक कंपोनेंट जाएगा, इट विल बी फिक्स्ड बाय फोर स्क्रूज एंड ओवर इट देयर विल बी अ कवर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक असेंबली करवाएंगे तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंशियल चांसेस हैं कि हमारा डिवाइस जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा खराब हो जाए। दैट बिकॉज ये कंपोनेंट जब इस बॉक्स के अंदर आकर फिट होगा एंड देन वी आर ट्राइंग टू स्क्रू दिस होल टू द बेस ऑफ द बॉक्स, तो जो टाइटनिंग इक्विपमेंट है यानी कि जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है, हो सकता है वो इसकी वॉल से आकर उस ड्रिल को लेता हुआ चला जाए। दैट मीन्स इट कैन क्रिएट बर ओवर दिस वॉल अगर हम उसको प्रॉपर डायमेंशंस नहीं देंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली आकर उसको स्क्रू देना है। मोर ओवर देर हैज टू बी सम टॉलरेंस लिमिट। तो अगर एक्सीडेंटली वो ड्रिलिंग इक्विपमेंट इस टॉलरेंस से बाहर हो गया, सो अगेन इट कैन डैमेज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम सिंप्लीफाई करने के लिए इसी असेंबली को आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिवर्स किया। नाउ द प्लेट हैज बीन टेकन लाइक दिस, इसको बना दिया बेस। जो हम यहाँ पर टॉप प्लेट लगा रहे थे इसको बना दिया बेस। इसमें चार होल्स किए, चार होल्स के ऊपर इसे रखा। ऑटोमेटिकली द ड्रिलर विल कम और इन चार होल्स में इन चार स्क्रूज को फिट कर देगा और जो बॉक्स यहां पर था उसको बना दिया कवर। ओके, सो दिस वे द असेंबली वॉज इम्प्रूव्ड फर्दर। देन सिमिलर इज द केस विद दिस। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, अगेन इट इज बीइंग प्लेस्ड ओवर सम बॉक्स और कवर हम यहाँ पर देख रहे हैं। बट जैसा हमने लास्ट केस में एनालाइज किया, मेक द कवर एज द बेस, फिट अप द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हेयर और बॉक्स जो है वो उसके ऊपर लाके कवर कर देगा। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल कुड बी, ये दो पार्ट्स हैं, इनको एक साथ हमें क्लब करना है। लेकिन वही है कि अगर हमने इन होल्स की अलाइनमेंट को प्रॉपर नहीं किया सो देयर विल बी सम पोजिशन एरर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट अप एन असेंबली गाइड एंड दिस गाइड विल हेल्प कि ये जो दो होल्स हैं वो इसके दो होल्स के साथ मैच हो जाए एज शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल रूल्स फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फॉर ऑटोमेशन। कभी कभी हमें डिजाइनिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है और जैसा हमने एनालिसिस के केस में देखा, कुछ कंपोनेंट्स को हमें रिमूव भी करना पड़ सकता है। सो एलिमिनेशन ऑफ अ पार्ट वुड एलिमिनेट अ कंप्लीट वर्क स्टेशन ऑन एन असेंबली मशीन इंक्लूडिंग द पार्ट्स फीडर। हो सकता है कि हमें फीडिंग इक्विपमेंट की जरूरत ही ना हो सकता है हमें वर्क हेड की, स्पेशल वर्क हेड की जरूरत ना हो, और इट कुड बी सम एसोसिएटेड पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर डिवाइस। सो अल्टीमेटली
ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या प्रोसेस में डिपेंड करेगा कि हमें किसको एलिमिनेट करके अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इन ऑटोमेशन द रोल ऑफ गाइड्स एंड शेफर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेशन करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर गाइड्स एंड व्हाट आर शेफर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गाइड्स। ये एक रॉड है जो इसके ऊपर टू एंड फ्रो मूव कर रही है टू डू सम पर्टिकुलर वर्क। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हेयर इज दैट देर इज अ ग्रूव हेयर। अब इस रॉड को हमेशा एक अलाइनमेंट मिलती रहेगी इस ग्रूव द सेक्शन से, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स पोजिशन। सिमिलरली वी कैन यूज लीनियर बॉल बियरिंग्स टू हेल्प स्मूथ मोशन। इस कंपोनेंट में ये दो रोलर्स हैं, दो डिवाइसेस लगाए हैं विच आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पर हमने लीनियर बॉल बियरिंग लगाया है टू गाइड द वे। सिमिलरली इन दिस ऑल्सो लीनियर बॉल बियरिंग्स हैव बीन यूज्ड ताकि वो प्रॉपरली एंगुलर पोजिशन को अचीव कर पाए। नाउ दिस इज वॉट अ शैम्फर इज। देर इज अ एज, अ शार्प एज। अगर हमने उसको एक छोटे से स्लांट में कट कर दिया लाइक दिस, इट इज नोन एज शैम्फर। सो शैम्फरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। द एजेस विच आर मार्क्ड इन ब्लू कलर हैव बीन शैम्फर्ड विच इज मार्क्ड इन रेड कलर। तो रेड कलर का सारा एरिया यहाँ पर शैम्फर्ड है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी, ये एक स्क्रू है जिसके अंदर हमें एक स्क्रू फिट करना है, एंड देर आर थ्रेड्स इन दिस। अब अगर हम यहाँ पर अगर शार्प एज होता और स्क्रू को डालते तो फिटमेंट हमारी ऐसी होती कि स्क्रू को बिल्कुल आइडली उसी डायमेंशन पे हमें फिट करना पड़ता और अंदर फिर उसको थ्रेडिंग में ले जाना पड़ता। बट एज वी हैव सेड कि ऑटोमेशन या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर प्रोडक्ट में टॉलरेंस लिमिट चाहिए होती है। तो यहाँ पर क्या किया, इस इनर थ्रेड डाया में कुछ शैम्फर किया गया, अपर साइड एज वेल एज द लोअर साइड। अब जब हम इसके अंदर स्क्रू को डालेंगे, सो बिकॉज ऑफ दिस स्लांट ऑफ द शैम्फर स्क्रू विल स्लाइड डाउन इनसाइड दिस और थ्रेड के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है दैट टू द शार्प एजेस इट इज कमिंग अप और हम स्क्रू को फिर फिट कर रहे हैं। सो द शैम्फर्स विल गाइड द स्क्रूज टू मूव इनसाइड एंड कनेक्ट विद द थ्रेड्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं शार्प कॉर्नर्स आर रिमूव्ड सो दैट द पार्ट कैन बी गाइडेड इनटू इट्स करेक्ट पोजीशन ड्यूरिंग असेंबली, लीडिंग टू लेस कंट्रोल बाय द प्लेसमेंट डिवाइस और कैन एलिमिनेट द नीड फॉर अ प्लेसमेंट डिवाइस। तो अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ओल्ड डिजाइन था जिसके अंदर एक ग्रूव के अंदर, एक हाउसिंग के अंदर हमें इस स्प्रिंग को फिट करना था। अब हमें यहाँ भी शार्प एजेस मिल रहे हैं और यहाँ भी शार्प एजेस मिल रहे हैं। तो नए डिजाइन में क्या किया गया, नए डिजाइन में ऊपर की तरफ भी शैम्फर किया, अंदर की तरफ भी शैम्फर किया। तो जैसे ही स्प्रिंग को हम अंदर करेंगे, ये इस शैम्फर से स्लाइड होता होता अपनी हाउसिंग में आके ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, अनलाइक द ओल्ड डिजाइन जहां पर शार्प एजेस की वजह से वो कहीं पर स्टकअप होकर एक इनकरेक्ट पोजीशन पर आ गया था। सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी कैन सी, यहाँ पर कोई ये असेंबली है, दिस असेंबली इसका अगर हम ये साइड व्यू देखें, इसके शार्प कॉर्नर्स हैं एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ इट। तो यहाँ पर क्या है, इसके शार्प एजेस हैं, बट क्या किया गया, हम इसको थोड़ा सा शैम्फर किया गया। शैम्फर करते ही इसकी असेंबली इजी हो गई बिकॉज द शैम्फर्स गाइडेड ईच एंड एवरी कंपोनेंट फॉर असेंबली। देन देर आर सम स्क्रूज। ये स्क्रूज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक असेंबली में। लेट्स ट्राई टू क्विकली अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी शेप ऑफ द स्क्रू। पहला है हमारा रोल्ड थ्रेड पॉइंट। रोल्ड थ्रेड पॉइंट से हमें बहुत ही पुअर लोकेशन मिलती है क्योंकि ये अपने आप से सेंट्रलाइज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस इन द आउटसाइड डायामीटर। हेडर पॉइंट में थोड़ा सा टेपर यहाँ किया गया, ठीक है,
ये थोड़ा सा रोल्ड थ्रेड पॉइंट से बेटर हुआ। देन शैम्फर में क्या किया, शैम्फर में द विड्थ ऑफ दिस हेडर इज रिड्यूस्ड फर्दर, तो ये और बेटर है इजिली एक पॉइंट पर को लोकेट करने के लिए। इन द डॉग पॉइंट इनर डाया को थोड़ा सा छोटा किया गया ताकि जहां पर ये स्क्रू को फिट होना है डॉग पॉइंट उसका रास्ता बना दे, और जैसे ही ये उस फिटमेंट के अंदर जाएगा द अदर बॉडी पार्ट विल ऑल्सो फॉलो इट। कोन पॉइंट इज वेरी गुड टू लोकेट, क्योंकि कोन पॉइंट जो है वो गाइड कर लेगा कि उसको कहाँ पर आना है, तो अकॉर्डिंगली ये अपनी हाउसिंग में बहुत आराम से फिट हो जाएगा एंड इट विल स्लाइड बिकॉज ऑफ दीज स्लांट्स ऑफ दी कोन। सिमिलरली इज दी ओवल पॉइंट, द ओवल पॉइंट भी अपने आप को स्लांट कर लेगा उस पर्टिकुलर हाउसिंग में जहां पर इसको फिट होना है। सो जनरली इन इन ऑटोमेटिक असेंबलीज कोन पॉइंट एंड ओवल पॉइंट दीज आर जनरली यूज्ड। देन दिस इज इंपॉर्टेंट हेयर असेंबली फ्रॉम अबव। अर्थ में एक सबसे अच्छी चीज है हमारे पास ग्रेविटी। ग्रेविटी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और ग्रेविटी के यूसेज से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हटा सकते हैं, बिकॉज द फीडिंग इक्विपमेंट्स दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑल यू नीड इज सम मोटर, सम कॉन्वेयर बेल्ट विच आर ड्रिवन बाय द मोटर, तो जहां मोटर लगी वहां हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्रीज होगा। सो वी कैन यूज ग्रेविटी टू असिस्ट इन फीडिंग एंड प्लेसिंग ऑफ द पार्ट्स। यहाँ पर हमें एट टाइम्स हो सकता है कि स्पेशल वर्क हेड्स की भी जरूरत ना पड़े, एंड ग्रेविटी ऑल्सो हेल्प टू कीप द पार्ट इन देयर करेक्ट पोजिशंस। तो यानी कि मशीन मशीन इंडेक्स पीरियड को भी ग्रेविटी जो है वो कंट्रोल कर सकती है। ओके, एंड द प्रोडक्ट कैन सेल्फ लोकेट इटसेल्फ ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड दिस इज सफिशियंट इनफ टू होल्ड द पार्ट अंटिल इट इज स्क्रूड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल कि असेंबली फ्रॉम अबव क्या है। सो दिस इज द थ्री पिन प्लग हियर, और इस थ्री पिन प्लग के अंदर ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। असेंबली करने के लिए ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसके कुछ लूप होल्स हैं। द लूप होल्स आर बेस में हमने इन कंपोनेंट्स को भी प्लेस करना है, लेकिन नीचे से हमें ये स्क्रूज को भी फिट करना है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर फिटमेंट की ये है, कॉर्ड ग्रिप स्क्रूज, देन दे विल बी फिटेड टू द बेस, और बेस के साथ ये कॉर्ड ग्रिप, और कॉर्ड ग्रिप के अंदर ये जो दो होल्स हैं वहां पर इन स्क्रूज को आकर फिट होना है। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू डू। इतना काम करने के बाद ही हम बाकी सारे काम कर पाएंगे। तो इस चीज को होल्ड करके रखना और फोकस में रखना, दैट द कॉर्ड ग्रिप स्क्रूज आर नॉट फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड दे शुड कीप ऑन होल्डिंग द कॉर्ड ग्रिप टिल द टाइम द कवर स्क्रू इज फास्टन इन टू दिस कवर। जब तक ये कवर स्क्रू इसको बंद ना कर दे थ्री पिन प्लग को, तब तक हमें इस कॉर्ड ग्रिप स्क्रूज का ध्यान रखना पड़ेगा। सो असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे हम मैनुअली कर रहे हैं, दिस इज समवॉट डिफिकल्ट बिकॉज दिस विल इंक्रीज द साइकिल टाइम, दिस प्रॉब्लम विल इंक्रीज द साइकिल टाइम। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि हम इसको सब असेंबलीज में डिवाइड कर दें। ठीक है, सब असेंबलीज में डिवाइड करने का मतलब है दैट कॉर्ड ग्रिप स्क्रूज, बेस और कॉर्ड ग्रिप, ये तीनों मिलके बनाएंगे एक असेंबली, एक सब असेंबली। पहले वर्क स्टेशन में सिर्फ हमें इन तीनों को असेंबल करना है, नेक्स्ट वर्क स्टेशन में बाकी सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करना है। देन दिस पर्टिकुलर असेंबली इज पॉसिबल इफ वी आर ट्राइंग टू असेंबल इट विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ओके, सिमिलरली लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये हमारा एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के ऊपर हमें कुछ फिटमेंट करना है, लेकिन अगर हमें ये कंपोनेंट के ऊपर फिटमेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इस ओवल शेप की वजह से ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं रहेगा एंड सो द असेंबली इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज टू बी डन, हमें इसके लिए एक वर्क कैरियर डिजाइन करना पड़ेगा।
वर्क कैरियर का पर्पस है इसको होल्ड करके रखना। जैसे ही इसको होल्ड किया एंड देन इट इज पॉसिबल टू डू द वर्क फ्रॉम अबव, असेंबली फ्रॉम अबव इन दिस पर्टिकुलर पीस। अनदर थिंग विच वी कैन यूज टू होल्ड द पार्ट एज अ वर्क कैरियर इज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर अ बेस प्लेट पार्ट ऑफ सच अ टाइप। यहाँ पर हमने एक वर्क कैरियर डिजाइन किया बट दीज आर द टेपर्ड पेग्स, विच मीन्स कि इस बेस पार्ट के ये दो होल्स को, जो बिग होल्स है उसको हम इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। एंड वाई दीज आर बीइंग टेपर्ड, सो दैट बेस पार्ट को हम क्विकली इसके अंदर इंसर्ट कर पाए और नीचे वाला जो जो बिलो वाला जो इसका डायामीटर है, दैट डायामीटर इज सेम एज दैट ऑफ दी होल। तो क्विकली इसके ऊपर हम रखे एंड देन वट एवर असेंबली वी वॉन्ट टू हैव ओवर दिस वी कैन डू इट। सो द पॉइंट हेयर इज टू से कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा डिवाइस क्या है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिजाइन ईच एंड एवरी मैकेनिज्म एंड द वर्क कैरियर फॉर इट टू प्रोमोट ऑटोमेटिक असेंबली और असेंबली थ्रू ग्रेविटी। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। स्टिल यू हैव एनी डाउट सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। एंड फॉर ओ मोर अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।